नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा अलोंग विद द गोड्स द टू वर्ल्ड्स मूवी के बारे में, जो एक कोरियन मूवी है 2017 के अंदर आई थी। तब इस मूवी की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। एक इंसान है जो एक फायर फाइटर है, एक बच्ची की जान बचाते समय इसकी डेथ हो जाती है और फिर डेथ होने के बाद इसकी आत्मा को दूसरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए तीन गार्डियंस आते हैं। और जब ये इंसान, जिसका नाम है किम जोंग उंग, मैंने बहुत मुश्किल से नाम याद किया, जब ये दूसरी दुनिया में पहुंचता है तो इसके ऊपर 7 ट्रायल्स चलते हैं। 7 ट्रायल्स से इसको फेस करना पड़ता है कि हाँ भाई, इसने अपने जीवन को कैसे जिया है, कोई पाप नहीं किया, तो इन 7 ट्रायल से निकल कर ही ये अपनी अपनी आत्मा को शांति दिला पाएगा। और जो 7 ट्रायल्स हैं वो ऐसे हैं कि पहला जो हो गया विश्वासघात हो गया, दूसरा हिंसा, अपवित्रता, हत्या, आलस, कपट यानी कि झूठ बोलना, और जो लास्ट है वो है अन्याय। किम जोंग उंग को इन तो ट्रायल्स को फेस करना है। अगर किसी भी ट्रायल के अंदर ये गिल्टी पाया जाता है और इसका फैसला करते हैं खुद वहां के जो भगवान होते हैं, ये जो 7 अलग अलग भगवान हैं, जो गोड दिखाए गए हैं कि जो विश्वासघात के लिए जो सजा कौन देगा उनके लिए एक अलग पर्टिकुलर गोड है, तो ये सब जो है वो फैसला करने का अधिकार गोड के पास ही है। अगर वो किसी भी ट्रायल के अंदर फेल होता है, विक्टिम मतलब वो पाया जाता है कि गिल्टी पाया जाता है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग वहां पर सजा भुगतनी होगी और इसको बचाने के लिए जिम्मेदारी होती है इन 3 गार्डियंस के ऊपर। जो इसे डिफेंड करते हैं वो बताते हैं कि अगर इसने कोई झूठ बोला है तो उसके पीछे रीजन क्या था, यानी अपनी पूरी नॉलेज का यूज करते हैं, इसको बताते हैं कि भी हाँ भाई, ऐसे ऐसे तुझे आंसर करना है, अगर तूने गलत आंसर कर दिया या फिर तूने फालतू वहां पे बोल दिया तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे ये जो 7 ट्रायल्स का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये 7 बातें बोलेगी कि इंसान ने अपना जीवन कैसे दिया, ये काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। और जो इन 7 ट्रायल्स के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सजा थी, यानी 7 के लिए अलग अलग 7 अलग जो सजा दिखाई गई थी वो जस्टिफाई है, मतलब कि आप जब देखोगे तो हाँ लगेगा कि यार हाँ, इस पाप के लिए तो ये जो सजा दिखाई जा रही है वो एकदम सही है। किम जोंग उंग को जैसे दिखाया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, जब वो उसकी डेथ होती है तो उसे दिखाया जाता है कि उसने जब डेथ हुई उसको किसी बच्ची की जान बचाते बचाते इसकी डेथ हो गई और इसका पूरा जीवन दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों की जान बचाने में पूरा जीवन उसने ऐसे ही निकाल दिया। और ना ही इसने आराम किया अपने जीवन में, दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में या फिर काम करने के चक्कर में इतना अपने शरीर को इसने तोड़ दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिखाया गया इसके अंदर चक्कर खा के खुद गिर जाता। ये सारी बातें इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए इसके अंदर। टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। किम जोंग उंग का एक भाई भी है जो एक आर्मी के अंदर, और इसकी एक माँ भी है। अब जब इसकी डेथ होती है तब ये कहता है उन 3 गार्डियंस को, कहता है प्लीज एक बार मुझे मेरी माँ से बात करने दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और ये वाला जो सीन होता है इसकी स्टार्टिंग में ही आता है और इस सीन से आप इमोशनली इस मूवी के साथ कनेक्ट हो पाते हो। जैसे जैसे किम जोंग उंग इन 7 ट्रायल से निकलता है तो इसकी पूरी लाइफ दिखाई जाती है कि इसने अपनी जीवन को कैसे जिया, और इसने कुछ जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया गया कि एक आदर्श सोल है, ऐसी सोल कभी आई नहीं, तो यहां पर जब पता चलता है कि इसने कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिनको सुनकर गार्डियंस के भी होश उड़ जाते हैं कि इसने एक्सट्रीम लेवल तक ये गया होता है। खैर टेंशन ना लो, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। और ये एक बात कहूंगा कि जब ये मूवी खत्म होगी डेफिनेटली आपकी आंखों में आंसू होंगे। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो कहानी वो बहुत अच्छे से डेवलप की गई है। 2 घंटे 20 मिनट ये लंबी मूवी है, इतना टाइम देने के बाद भी आपको लगेगा यार हाँ, थोड़ा बहुत और दिखा देना चाहिए था, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत यहां पर हमें पता चल जाए, तो ये अंदर से इच्छा करेगी। 2 भाइयों के बीच टकराव, मां के प्रति प्यार, जिम्मेदारी, पश्चाताप, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। और एक इस मूवी से हटकर कहानी तो बहुत अच्छी है, और जो इसके अंदर मूवी के अंदर एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है, मैंने नाम लिखा है क्योंकि याद रहता नहीं, हांग जी किम, बहुत क्यूट है यार। अब मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ लो, पता नहीं इतने क्यूट होते कैसे हैं ये लोग। ओवरऑल अगर इस मूवी की कहानी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। VFX भी इसके अंदर जो यूज़ किए गए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कहीं पर भी आप लोगों को चीप सी फीलिंग नहीं आएगी। परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत अच्छी दिखाई गई है। और एक चीज़ आप लोगों को इंग्लिश सबटाइटल में देखनी पड़ेगी, इंग्लिश डब में नहीं मिलेगी। इंग्लिश डब में नहीं है तो भूल जाओ हिंदी डब की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10। सर अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों की मूवी कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो जाकर देखो, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है। एक कॉन्सेप्ट जो इन्होंने 7 ट्रायल्स वाला दिखाया है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।